हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2024, जो कि कक्षा 9 के लिए विज्ञान में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारा ये चौथा मॉडल पेपर है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और 100% आप अपनी सफलता को निश्चित करिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नियान? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका ऑप्शन आता है ए आर्गन, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सड़े अंडे की महक वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर नाइट्रोजन? जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट है तीसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? पारा, सोडियम सल्फर या फिर मैग्नीशियम? जल्दी से सोचिए। और अगर आपका ऑप्शन आता है बी सोडियम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित होकर गुजरती है, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? अल्फा, बीटा, गामा या फिर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गामा पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए गामा जो है अविचलित होकर निकल जाती है, यानी ऑप्शन यहाँ से तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हवा के संपर्क में आने पर तत्व का टुकड़ा जलने लगता है, तो किसके कारण? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या फिर जिंक? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका ऑप्शन आता है ए नाइट्रोजन, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, नेफ्थलीन की गोलियां कुछ समय बाद आकार में छोटी हो जाती हैं, चुंबकत्व के कारण, घुलनशीलता के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, आकर्षण के कारण? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के कारण, यानी बिना जो द्रव बने स्वतः ही हवा में घुलित हो जाना, इसको वात्पोत्सर्जन कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, मंगल तथा बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करने वाली ग्राही भाग का छोटा समूह क्या कहलाता है? उल्काएं, धूमकेतु, आकाशीय पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह? जल्दी से इस पर कमेंट करिए। अगर आपका ऑप्शन आता है डी बच्चों क्षुद्र ग्रह, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। बेहद आसान है ये भी प्रश्न आपका। तो अगला प्रश्न है, कार्य का सीजीएस मात्रक कौन सा है, यानी सीजीएस मतलब सेंटीग्राम, ग्राम और जो है सेकंड में कौन सा होगा? अर्घ है, जूल है, डाइन है, न्यूटन है? बहुत जल्दी से कमेंट करिए, बहुत आसान प्रश्न है। और अगर आपने यहाँ उत्तर लगाया अर्घ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। जैसे यूरिया है, तो यूरिया का फार्मूला क्या होगा? ये होता है NH2CO, NH2, यानी ये वाला चौथे से मिल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो गोबर गैस होता है, वो गोबर गैस मेथेन बनाता है, तो ये तीसरे वाले में आप इसे मिला देंगे। और जो तीसरा है आपका वाटर गैस, तो ये वाटर गैस आपका क्या होता है? ये H2 और CO होता है। अब बचा आपका प्रोड्यूसर गैस, जो कि आपका पहले में मिल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अब आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा, यानी ये वाला जो है चौथे से आपका मिलेगा। तो ये का चौथे से देखिए तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा इस वीडियो को रोक करके इसे जरूर एक बार मिलान करके यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब मैं अगला प्रश्न पे आता हूँ। जिस प्रकार की खेती से कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुफसल रोपण विधि, मिश्रित खेती या फिर समोच्च कृषि? जल्दी से आंसर कीजिए। और अगर इसका आंसर आप डी लगाते हैं, समोच्च कृषि, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, मुर्गी है क्या है? बाह्य निषेचन, अंड प्रजक या सजीव प्रजक या फिर आंतरिक निषेचन? जल्दी से बताइए। और अगर आपका ऑप्शन है अंड प्रजक, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, अमीबा में द्वारा जनन होता है, नहीं, अमीबा में किसके द्वारा जनन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक होता है, मुकुलन होता है या द्विविभाजन होता है? तो ये बच्चों ये होता है द्विविभाजन, आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी? थर्मोसेटिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे नायलॉन है, PVC है, रबर है, बेकेलाइट है, तो इसमें से जल्दी से अपना एक कमेंट कर दीजिए कौन सा सही है। अगर आपने आंसर चुना होगा बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके
सामने है, छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? जिसे आप छोटी माता कहते हो उसकी जो वैक्सीन आती है उसकी खोज किसने करी थी? लुई पाश्चर है, रॉबर्ट कॉक है, एडवर्ड जेनर है या फ्लेमिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा वाला, एडवर्ड जेनर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पांचवा प्रश्न देखिए। बीज बीज बोने में उपयोग होता है, यानी बीज किस चीज से बोए जाते हैं? हसिया से बोए जाते हैं, कुदाल से, या सीड ड्रिल या स्प्रिंकलर? स्प्रिंकलर तो हो ही नहीं सकता, कुदाल हसिया भी नहीं हो सकता, तो जो सीड ड्रिल है इसी से जो है बीजों की बुवाई की जाती है। अगला है लैक्टोबैसिलस एक क्या है, यानी जो लैक्टोबैसिलस है ये कौन चीज है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ या कवक है? और अगर आप इसका आंसर चुनते हैं जीवाणु तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए हम बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग के कारण उत्पन्न होता है, जीवाणु, विषाणु, अमीबा या फिर फफूंदी? इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आप ऑप्शन यहाँ से भी चुनते हैं बच्चों तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आठवां है, 108 पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज, 20 और 20,000 हर्ट्ज के मध्य, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर आपसे पूछ रहा है 20 हर्ट्ज से कम? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अब सी वाला जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो 108 का यहाँ पर आप सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, वो यहाँ पर आपको बताना है। टोंटी का पानी होता है, वनस्पति घी, यही नहीं होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आप दूसरा सिरका और नींबू दोनों ही हो जाएंगे। अगला है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 मीटर दूरी है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य की बीच की दूरी क्या होगी? तो वो भी 5 मीटर की ही दूरी पर होगी, तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, तो आप दूसरा यहाँ से टिक कर लीजिएगा। शुक्र ग्रह को और क्या कहा जाता है? तो जो शुक्र ग्रह बच्चों होता है उसको प्रभात यानी सुबह का और शाम का तारा भी कहा जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? सभी को मालूम है जो पत्तियां हरी होती हैं उसका कारण होता है हरित लवक, यानी ऑप्शन यहां से तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, थायरॉक्सिन की शरीर में कमी से क्या हो जाता है, यानी वो गाइटर हो जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन आप तीसरा वाला लगा लीजिएगा, बाकी आप पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है। अगला प्रश्न है, सूची एक का सूची दो से मिलान करिए। देखिए चुंबकीय बल क्या होता है? तो चुंबकीय बल जो होता है ये असंपर्क बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या है? पृथ्वी की ओर देखिए लगता है, पेशी बल क्या होते हैं? मांसपेशियों द्वारा लगता है, और स्थिर वैद्युत बल ये आवेशित वस्तुओं पर लगता है। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं कि भाई ए का जो है आपका देखिए चौथा है, बी वाला जो है तीसरा है, और सी वाला पहला है, और डी वाला दूसरा है। आइए देखते हैं ये कहाँ पर आपका, ये देखिए पहला वाला विकल्प आपका यहाँ से मिल रहा है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची एक और दो का मिलान यहाँ पर भी करना है। जो पोलियो बच्चों होता है ये विषाणु के द्वारा होता है, जो आपकी मलेरिया है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, गेहूं में जो रिस्ट रोग लगता है बच्चों ये कवक के द्वारा होता है, और जो टीबी जिसे हम लोग क्षय रोग बोलते हैं जीवाणु के द्वारा होता है। अब ये ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है इसे आप लोग देख लीजिएगा, ये हमने मिला दिया, अब आप ऑप्शन यहाँ से मिला लेना है। अगला आपके पास प्रश्न है, निम्न में प्राकृतिक रेशे को पहचानना। तो यहाँ पर प्राकृतिक रेशा क्या है बच्चों? कपास है, बाकी सब ये हमारे कृत्रिम है। वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं, यानी जो संपर्क में आता है तो उसको बोलते हैं बच्चों संपर्क बल, यानी पहला प्रश्न हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है? तो जो ज्वाइंट पांडा है ये हमारा WWF का जो है चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वहाँ पर कोई ईंधन की व्यवस्था तो होती नहीं, तो वहाँ पर सोलर सेलों का बच्चों प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? सभी को
मालूम होगा जल्दी से कमेंट करिए, विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापा जाता है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन सी में दर्शाया गया है। अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन, तो भारत का जो प्रथम कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। मेमोरी शब्द किससे संबंधित, सभी को मालूम है जो हमारी मेमोरी होती है ये स्टोरेज से मतलब होता है इसका। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, यानी कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धियां लाता है उसको हम लोग क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बग, यानी ऑप्शन यहाँ से तीसरा वाला सही हो जाएगा। पढ़ता हूं मैं अंतिम और आखिरी प्रश्न। अगला प्रश्न है क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, तो ये बच्चों हो जाएगा जो प्रोटॉन ग्रहण करता, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कुल मिला के ये 35 प्रश्न कैसे थे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।